हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एसईओ। एसईओ है क्या, एसईओ की इम्पोर्टेंस क्या है, एसईओ का रिलेशन इंडिया से क्या रिलेशन है, एसईओ जियोपॉलिटिक्स में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इस सारी बातों को आज अपन डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एसईओ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है आपकी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, यूपीएससी पीसीएस में, ठीक है। अब इसका रोल के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो चुका है। बेसिकली एसईओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेनली दो कंट्रियों की पहल है। सबसे पहली पहल है रशिया और चाइना की पहल है। ये किसकी? रशिया और चाइना की। ये ऐसा ग्रुप बन रहा है, आप मान सकते हैं कि जो अपनी म्यूचुअल म्यूचुअल प्रॉब्लम को, नेबरहुड की जो म्यूचुअल प्रॉब्लम होती है, बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, टेररिज्म होते हैं, वो आपस में सॉल्व कर रहे हैं ये, ठीक है। तो पहले इसी ग्रुप के थ्रू रशिया और चाइना ने अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करा है। फिर इसके बाद इनके फाउंडिंग मेंबर में चाइना है, काजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तो इनके जो बॉर्डर इशू थे ये इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं। तो बेसिकली ये उस टाइप है था कि एक मीटिंग थी, बॉर्डर मीटिंग, जिसके थ्रू वो अपने रिलेशन को स्मूथ करें। मगर आफ्टर यूक्रेन वॉर, किसके बाद? यूक्रेन वॉर के बाद इसका इंपॉर्टेंस चेंज हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अब एसईओ डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है किससे कर रहा है? ये कर रहा है नाटो से। किससे कर रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट? मतलब डायरेक्ट अगेंस्ट किसके जा रहा है? नाटो के। जैसे नाटो को, मैं आपको उसको थोड़ा सा डीपली और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, कैसे एसईओ नाटो को टक्कर मार रहा है, कैसे उसको चुनौती दे रहा है, इसके बारे में। नाटो का जो एक्सपांशन हो रहा है, जो नाटो ने यूरोपियन यूरेशियन में जो एक्सपांशन किया है, जैसे नाटो के एक्सपांशन की वजह से ही, जो मेंबरशिप एक्सपांशन का मतलब है जीतना नहीं, एक्सपांशन का मतलब है मेंबरशिप को बढ़ाना, उसकी मेंबरशिप बढ़ी। सबसे पहले उसने मेंबरशिप 2008 से एक्सपांशन करना चालू करा था, जॉर्जिया को दिया था, उसी वजह से एक्सपांशन के कारण रशिया ने जॉर्जिया पर अटैक करा था। फिर इसने एक्सपांशन किसको करना चालू करा? यूक्रेन को करा। तो 2014 पे फिर रशिया ने किस पर अटैक करा? यूक्रेन पर अटैक करा और क्रीमिया जीत लिया। फिर 2017-18 पे फिर से इसने एक्सपांशन करने की, वापस से यूक्रेन को मेंबर करने की कोशिश करी थी ट्रंप ने, उसी वजह से फिर से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ। इसी कारण अब रशिया और चाइना दोनों मिलके सेंट्रल एशिया के अंदर एक्सपांशन करना चाहते हैं, किसका? एसईओ का। आप देखेंगे सही, इस एक्सपांशन का रिजल्ट क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो एंटी यूरोपियन कंट्रियां हैं वो इसकी मेंबर बनती चली जा रही है। अब भी उन्होंने 9th मेंबर किसको बना लिया? ईरान को। देख लीजिए आप, किसको बना लिया? 9th मेंबर अभी इसी मीटिंग में कौन बना? ईरान। मतलब एंटी नाटो ग्रुप जो हो रहा है वो आजकल इसका मेंबर बनता जा रहा है। बेसिकली इसका काम पहले क्या था? बॉर्डर मैनेजमेंट, टेररिज्म। अब इसका मल्टीपल सोर्स बढ़ने लगा, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा, अब ये हो गया जियोपॉलिटिक्स एंगल से, अब आते हैं अपन कौन से एंगल से? इंडियन का एंगल। इंडिया का क्या है इस एसईओ से, क्या इंडिया का रिलेशन है? बेसिकली इंडिया इसका मेंबर है, 2017 के बाद इसका परमानेंट मेंबर भी बन चुका है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों बन गए, ठीक है। मगर इंडिया जब इसका मेंबर था तो इंडिया को ये लगता था कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी ग्रुपों के साथ रह के, जैसे चाइना के साथ हमारा बॉर्डर इशू है, तो ये भी हम सोल्व कर सकते हैं एसईओ में आके, ठीक है। और बेसिकली पाकिस्तान भी इसको मेंबर बनाया, तो पाकिस्तान के साथ भी कोई हमारे मधुर रिलेशन नहीं है बॉर्डर पे, तो इससे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां हम दोनों आपस में चर्चा कर सकें। और तीसरा सबसे बड़ा है, रशिया इसमें मेडिटेशन का रोल अपनाएगा और हमारी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। मगर जब से यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद सिचुएशन दिन पे दिन चेंज होती जा रही है, और बहुत ही दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में जितना चेंज चल रही यूक्रेन वॉर के बाद आया है वो बहुत फास्ट आया है। इसी के बाद क्या हुआ फिर, आपको भी याद होगा, आपको गालवान वैली चाइना ने अटैक करा था, कहा हमारे लद्दाख के आर्मी में क्लैश हुआ था, उसके बाद और हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं। तो एसईओ में अब हमें रहने पे इंडिया को बहुत काउंटर हो रहा है। पहले केवल हमने सोचा था कि इससे बॉर्डर इश्यूज होगा, तो बॉर्डर इश्यू भी सोल्व नहीं हो रहा है। दूसरा, अब एसईओ का ग्रुप किस पे काम कर रहा है? नाटो, एंटी नाटो वाले ग्रुप में काम कर रहा है। मगर इंडिया के रिलेशन यूएसए से भी अच्छे हैं, जापान से भी अच्छे हैं, यूरोपियन वर्ल्ड से भी अच्छे हैं, तो इस चीज को कैसे बैलेंस करेगा, ठीक है, ये अब हम देखते हैं। पहले हम बेसिकली जानकारी लेते हैं कि क्या क्या इश्यू है इंडिया के साथ। तो पहला है हमारा, सबसे पहला इशू इंडिया के साथ इसका है क्वाड का। इंडिया क्वाड का भी मेंबर है और एसईओ क्वाड के अगेंस्ट है, ठीक है। दूसरा दिक्कत है डीआरआई का।
बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ये किसका है? चाइना का है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। इंडिया को इससे भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से गया है, ठीक है। तीसरा, एससीओ डिमांड करता है कि हम क्या करते हैं, बॉर्डर इश्यू करते हैं। देख लो इसका एम क्या है, टू वर्क रीजनल सिक्योरिटी, रिडक्शन ऑफ बॉर्डर ट्रूप्स एंड टेररिज्म, ठीक है। कौन सा वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट? टेररिज्म। इससे करंट में अभी इंडिया ने मीर साजिद को, साजिद मीर को यूएन में टेररिस्ट घोषित करा था, ठीक है। और उस पर यूएन का जो वीटो पावर है वो किसने यूज करा? चाइना। तो यहां से चाइना का डबल स्टैंडर्ड लग रहा है। एससीओ में कुछ और बोल रहा है कि हम टेररिज्म खत्म करेंगे और उधर यूएन में मीर साजिद को, साजिद मीर को सपोर्ट कर रहा है, वीटो पावर लेके बचा रहा है। तो इंडिया का स्टैंड है कि यह कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है। दूसरा, रीजनल सिक्योरिटी रिडक्शन ऑफ बॉर्डर पर कोई बातचीत हो नहीं रही है। तो इंडिया का बहुत सारा दिक्कतें चल रही है किसके साथ? एससीओ कंट्री। मगर इंडिया को एससीओ के साथ भी रहना पड़ेगा। अगर एससीओ के साथ नहीं रहा तो टोटली वरी वेस्ट वर्ल्ड कहलाएगा, और जो इंडिया नहीं चाहता है, दोनों के साथ बैलेंस बना के रिलेशन रखना चाहता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, कि आपको मैंने पूरी एक ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद एससीओ की दो परमानेंट बॉडी होती है। कौन सी होती है? दो परमानेंट बॉडी, एक सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग में होती है और एक रीजनल एंटी टेररिस्ट टास्क होता है जो तास्केन में है। एससीओ प्लेटफॉर्म यूरेशियन कॉपरेशन करना है, क्योंकि यूरेशियन कॉपरेशन में एससीओ इंपॉर्टेंट क्यों है? यूरेशियन की जो जगह है वो रिच इन एनर्जी, इसलिए इंडिया इसका मेंबर बना हुआ है। उसकी वजह से एक तो चाइना से क्या कर सकता है, अपने बॉर्डर इशू में बात भी कर सकता है और बातचीत के थ्रू अपने रिलेशन सुधार सकता है। और अगर एससीओ पे रहेगा तो उसे सेंट्रल एशिया के रिसोर्स को कंज्यूम करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी रिच रिसोर्स वही है और इंडिया को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन हुए 2005 में, लेटर 2017 में ज्वाइन हुए, ठीक है। फिर दूसरा, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप एससीओ में रहोगे तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसके थ्रू इंडिया और ईरान, इंडिया का पूरा ट्रेड किससे हो जाएगा? सेंट्रल एशिया से। और वो चाबहार पोर्ट को यूज कर सकता है इसके अंदर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के थ्रू। फिर डबल लॉक कंट्रियां हैं जैसे उज्बेकिस्तान, यूरोप, उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो रिसोर्स रिच है। आपके राजस्थान में गैस है, उज्बेकिस्तान और ईरान, उसके थ्रू वो अपने सारे रिसोर्स की डिमांड पूरी कर सकता है। ये इंडिया का फायदा है और इंडिया का नुकसान भी है। एससीओ के तीन हेड स्टेट होते हैं, पहले प्रेसिडेंट वाला होता है, गवर्नमेंट वाला होता है, काउंसिल ऑफ रीजनल मिनिस्टर होता है, ठीक है। अब इंडिया की प्रॉब्लम भी मैंने समझा दी आपको, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीआरआई वाली, और एक चाइना को किसको काउंटर कर रहे हैं? क्वाड को। इसी वजह से इंडिया अपना रिलेशन वेल मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कहां? एससीओ में।